सो फ्रेंड्स देखिए, अब हम पहला केस सुना रहे हैं जो यंग्स मॉडल्स का केस है। यंग्स मॉडल्स के केस में हम देख रहे हैं कि एक फर्स्ट बेसिक केस ले रहे हैं कि यहाँ पर एक रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसके एक एंड को इलास्टिक रॉड है, उसके एक एंड को हमने फिक्स कर दिया और दूसरे एंड पे फोर्स लगा दिया एक्सटर्नल एफ, ताकि इसका लेंथ जो एल था वो इलोंगेट होके हो गया एक्स प्लस एल, जहाँ एक्स जो इलोंगेशन है बहुत ही छोटा है कंपेयर टू एल के। या दूसरा केस हम ये कर सकते हैं, सेम चीज है कि हम दोनों एंड पे फोर्स एफ लगा दें, हम दोनों एंड पे फोर्स एफ लगा दें और इसका लेंथ जो एल था वो बढ़ के कितना हो जाए एल प्लस एक्स। तो हम यंग्स मॉडल्स को डिफाइन करते हैं एफ बाय ए बाय एक्स बाय एल, जो फोर्स है एफ बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा एफ बाय ए बाय एक्स बाय एल। तो यहाँ से एफ जो है रेस्टोरिंग फोर्स जो अंदर में डेवलप करता है, जो उसको वापस इसको सेफ रीगेन कराना चाहता है, उसकी वैल्यू आ रही है वाई ए बाय एल इंटू एक्स। यहाँ माइनस साइन दे रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको इलोंगेट कर रहे हैं, बाहर खींच रहे हैं तो फोर्स अंदर है, और अगर अंदर दबा रहे हैं कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो फोर्स बाहर है। इसका मतलब है कि x और f का डायरेक्शन अपोज दिया, हम माइनस डाल देते हैं। हमें ये इक्वेशन कुछ कुछ ऐसा ही, हमने जब l लेंथ के एक स्प्रिंग को हम x लेंथ से खींचते थे, x लेंथ से इलोंगेट करते थे, तो फोर्स की वैल्यू होती थी एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको हम अगर कंपेयर करें दोनों को तो हम पाते हैं ये स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका की जो होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है वाई ए बाय एल। इनफैक्ट स्प्रिंग जो होता है वो एक सिंबल होता है किसी इलास्टिक लीनियर बॉडी का, जरूरी नहीं वो स्प्रिंग जैसा दिखने में भी हो। जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, अगर रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है इसका मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस देखने में ऐसा होता है। रेजिस्टेंस एक सिंबल है जो कि ये बताता है वो करंट के अगेंस्ट के फ्लो में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। उसी तरह से किसी भी इलास्टिक लीनियर बॉडी का सिंबल होता है वाई ए बाय एल। यही कारण है कि जब आप एल को हाफ करते हैं तो के डबल हो जाता है। आपने कटिंग और स्प्रिंग में पढ़ा होगा, जब एल को हाफ करते हैं के डबल हो जाता है, क्योंकि हम वाई और ए को सेम रख रहे हैं, उसको हाफ से कट करते हैं तो के डबल हो जाता है। तो ये जो होता है, हम हर लीनियर रॉड को जिसकी यंग्स मॉडुलस वाई है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, उसको स्प्रिंग में कन्वर्ट करके क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। स्प्रिंग के सीरीज, पैरेलल, एंगुलर सारी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं, तो k की वैल्यू है वाई ए बाय एल। अगर हम इसको स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दें और चूंकि इसमें इलोंगेशन x है, इसे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डिफॉर्म स्प्रिंग कितनी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, k को यहां डाल देते हैं वाई ए बाय एल। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए, इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू वाई एक्स बाय एल इंटू एक्स बाय एल इंटू एल, सेम चीज है, उसको हमने रीअरेंज कर दिया है। देखिए ये वॉल्यूम है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है जिसको मान के चलते हैं लगभग अनचेंज रहा है, ये वॉल्यूम है, ये क्या है स्ट्रेन है, x by l क्या है स्ट्रेन है, और ये क्या है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इन इनटू स्ट्रेन, यानी ये क्या है स्ट्रेस। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग होता है हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ये होती है एनर्जी स्टोर्ड। अगर हम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब में, तो ये जो है हो जाएगा हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। बट अब स्ट्रेन पर क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन को लिख सकते हैं हम यंग्स मॉडुलस बाय स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, यहां इसको प्लेस कर दें स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन की जगह यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, हमारा ये आता है। ये फॉर्मूला पर्टिकुलरली यूजफुल है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम देखेंगे कि स्ट्रेस वेरी कर रहा होता है, स्ट्रेस जो है अगर वेरिएबल है पूरे सिस्टम में, अगर हम लेंथ में मूव करें लेफ्ट टू राइट या कहीं मूव करें, अगर स्ट्रेस वैरी कर रहा है, स्ट्रेस क्यों वैरी करेगा, या तो फोर्स वैरी कर रहा है या तो एरिया प्रोसेसर वैरी कर रहा है या दोनों वैरी कर रहा है, उस केस में स्ट्रेस वैरी करेगा। उस केस में अगर हमको टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम निकालना होगा, हम क्या करेंगे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, उस लोकेशन पे स्मॉल वॉल्यूम डी भी लेंगे, तो उस केस में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो क्या होगा, वो उस केस में एनर्जी स्टोर्ड जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, यहां इसको लिख सकते हैं यू एल फंक्शन ऑफ, सो यू हो गया क्या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू डीवी, डीवी क्या है वॉल्यूम, एलिमेंटल वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एट ए लोकल पॉइंट इनटू स्मॉल वॉल्यूम डीवी। देयर अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम क्या पाएंगे टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम पाएंगे, हम इसको देखते हैं ठीक है। ये स्ट्रेस होल स्क्वायर बाय 2 टाइम्स यंग्स मॉडुलस। नाउ ये जो दोनों फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने लॉन्गिट्यूडिनल केस के लिए लिखा है, बट ये
शियर के केस में और बल के केस में भी एज वी एप्लीकेबल होता है। सिर्फ फर्क ये है यहाँ हमने स्ट्रेस में क्या लिया था, जो हमने स्ट्रेस या स्ट्रेन लिया है वो लॉन्गिट्यूडनल था इस केस में, उस केस में हम शियर स्ट्रेस लेंगे या बल्क स्ट्रेस लेंगे और बल्क स्ट्रेन लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेंगे। और यहाँ हमने यंग्स मॉडुलस किया था, वहां पे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर बल्क मॉडुलस लेंगे, बट फॉर्मूला तीनों केसेस में एप्लीकेबल है। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखिए हम एक केस ले रहे हैं कि एक हमारे पास एक यूनिफॉर्म रोप है, इलास्टिक रोप है, जिसको हमने छत से हैंग कर दिया है। हम जानना चाहते हैं कि वो अपने ही वेट के में कितना इलोंगेट हो जाएगा, अपने ही वजन के कारण, वेट के कारण उसमें इलोंगेशन आएगा वो कितना आएगा। नाउ ये यूनिफॉर्म रोप है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, टोटल मास एम है, लेंथ एल है, यंग्स मॉडुलस वाई है, और उसको हैंग कर दिया गया है, तो इसका टोटल इलोंगेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है फोर्स हर जगह वेरी करेगा। इनफैक्ट अगर हम यहाँ से एक डिस्टेंस ऊपर जाए, वाई डिस्टेंस ऊपर जाए और यहाँ कट कर लें, और इसको अगर सिस्टम मान लें, इस वाइड डिस्टेंस के ऊपर अगर हम इसको कट कर लें, सूर्य सिस्टम मान लें, तो ये जो फोर्स होगा यहाँ पर एफ टेंशन होगा यहाँ, वो क्या करेगा, इसके वजन को बैलेंस करेगा। हम इसका एफबीडी बनाएंगे, इसका जो वेट होगा उसको ये टेंशन बैलेंस, लेकिन इसका वेट होगा कितना, देखिए ये लेंथ वाई है तो हम जानते हैं टोटल मास एम एल लेंथ में था, तो मास पर यूनिट लेंथ, एल लेंथ में मास एम, यूनिट लेंथ में मास एम बाय एल, तो वाई लेंथ में मास एम बाय एल इनटू वाई इनटू जी, ये टेंशन होगा। यहाँ का टेंशन जो है m by l into y into g होता है। हम देख रहे हैं ये वेरी करेगा हर जगह, जैसे जैसे y बढ़ता जाएगा टेंशन बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ टेंशन जीरो होगा, इसको किसी भी चीज को हैंग नहीं करना है। यहाँ टेंशन कितना होगा, mg होगा, क्योंकि यहाँ के टेंशन को पूरे रोप को हैंग करके रखना है। इसके मिड पॉइंट टेंशन कितना होगा, mg by 2 होगा, जहां भी कोई पॉइंट होगा उसके नीचे का जो वजन है, वेट है, उसको बैलेंस करना उस टेंशन का ड्यूटी होता है। इसलिए टेंशन बढ़ता जाएगा, बिकॉज टेंशन बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन भी हर पॉइंट पे चेंज करेगा। तो जरा देखिए यहाँ हम कैसे करेंगे, यहाँ यूनिफॉर्म स्ट्रेस है नहीं, स्ट्रेन है नहीं, तो हम क्या करते हैं, जब हम वाई डिस्टेंस पे थे तो फोर्स कितनी थी, टेंशन कितनी थी, एम बाय एल इंटू वाई इंटू जी। जब हम इस समय यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस और चेंज हुए, थोड़ा सा बढ़े, वाई को हमने इंक्रीज करके क्या कर दिया, वाई प्लस डी वाई, तो यहाँ भी टेंशन क्या होना चाहिए था, एफ प्लस डी एफ। बट हम इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं, आप मेरा लेक्चर देख लीजिएगा बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसमें मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को डिटेल में बताया है फ्रीक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें जो है हमने ये बताया है कि हम जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को थोड़ा सा बदलते हैं डी वाई से, हम डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं बदलते, हम ये मान के चलते हैं कि इस स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल में वाई तो बदल गया वाई प्लस डी वाई, लेकिन फोर्स वही का वही रहा, फोर्स यहाँ से यहाँ तक क्या रहा, यूनिफॉर्म रहा। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हमने इस छोटे से टुकड़े को कट कर लिया और हम कह रहे हैं ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसकी नेचुरल लेंथ, इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी डी वाई, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, समझिए। यहाँ टेंशन कितनी है एफ, कितना है एम वाई एल इंटू वाई इंटू जी, इस एंड पे भी टेंशन हमने एज्यूम कर लिया है, इतना स्मॉल चेंज है कि टेंशन ऑलमोस्ट अनचेंज है। यहाँ जो टेंशन था वही टेंशन यहाँ पर है, और इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी y, इसकी नेचुरल लेंथ थी y, dy, तो dy थी। अब ड्यू टू दिस टू फोर्सेस इसकी लेंथ में बदलाव कितना आ गया d, यानी इसकी फाइनल लेंथ कितनी हो गई dy + d। तो हम यहां पे अब इक्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि यहां पे फोर्स यूनिफॉर्म है, तो अब हम लिख सकते हैं हमारे पास फार्मूला क्या था, ये फार्मूला होता था f = y a / l नेचुरल लेंथ * चेंज इन लेंथ। तो देखिए y वही रहेगा यंग्स मॉडुलस, एरिया क्रॉस सेक्शन, l की जगह ओरिजिनल लेंथ क्या लेंगे, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, छोटे से टुकड़े की ओरिजिनल लेंथ कितनी है dy, और इसमें चेंज इन लेंथ कितनी है d, तो d को मान रहे हैं चेंज इन लेंथ, हो सकता है समझिए इस बात को, dy हम ले रहे हैं मान लेते हैं मिलीमीटर में, dy मिलीमीटर में है और d नैनोमीटर में या पिकोमीटर में या माइक्रोमीटर में, बहुत कम है, कम है और कम से भी कम है। ठीक है, तो ये जो है d हमने यहां लिख दिया, देखिए टेंशन की वैल्यू यूनिफॉर्म ले रहे हैं कितनी, m by l into y into g, यंग्स मॉडुलस y, एरिया क्रॉस सेक्शन a, और नेचुरल लेंथ ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी dy, और चेंज इन लेंथ कितनी d। तो हम यहां से इसको अरेंज करें तो d हमें इस फॉर्म में आता है, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कटेंगे, समझिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कटते जाएंगे, और हर टुकड़े का लेंथ ओरिजिनल कितना था dy, लेकिन सबकी d इक्वल नहीं होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेंशन बढ़ता जा रहा है, सो फॉर सेम dy जो d होगा, जो चेंज होगा लेंथ, वो बढ़ता जाएगा। इसलिए यहां अगर हम d कट करेंगे, dy कट करेंगे,
और यहाँ डिवाइड कट करेंगे तो दोनों जगह पे चेंज इन लेंथ ऑफ दैट डिवाइस सेम नहीं होगा, ऊपर वाले में ज्यादा चेंज इन लेंथ होगा। ठीक है, तो हम अब इसको ऐसे ऐसे सारे चेंजेस को, इसमें जो चेंज हुआ लेंथ, इसमें चेंज हुआ लेंथ, इसमें चेंज हुआ लेंथ, इसको हम जोड़ दें तो टोटल चेंज इन लेंथ निकल जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जोड़ने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना। हम इसको इंटीग्रेट करें, हम डी 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 वन डी टू डी थ्री को इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू एल जीरो टू ई। तो देखिए जब इसको इंटीग्रेट करें जीरो टू एल, तो हम पूरे रॉड का टोटल चेंज इन लेंथ निकालना चाहते हैं, तो हमारा आ जाएगा एम जी वाई ए बाई एल, और ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू। तो हमारा देखिए फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, एम जी बाई टू एल बाई वाई ए। ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि अगर हम इस पूरे रॉड को मासलेस मान लें, अगर इस पूरे रॉड को मासलेस मान लें जो एम दिया हुआ था, और इसकी पूरी मास का हाफ एम बाई टू यहां हैंग कर दें, तब भी आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम इसके पूरे रॉड को अगर हम मासलेस मान लेते, एक स्प्रिंग बना देते, अगर हम इसको एक स्प्रिंग बना देते इस तरह से, जिसकी यंग्स मॉडुलस जिसकी वाई कितनी हम रखते, जिसकी हम के की वैल्यू क्या रखते, वाई ए बाय एल, और यहां अगर हम एक मास हैंग कर देते एम जी बाय टू, तब भी आंसर वही आता एक स्टेप में। यानी कि हम एक रॉड को, एक यूनिफॉर्म रॉड को मासलेस मान के इसके हाफ वेट को यहाँ हैंग कर दें, तो ये हमारा एक शॉर्टकट निकलता है। ठीक है, यहाँ एक दो और बातें खास देने वाली है, खास ध्यान देने वाली है, वो क्या है, देखिए जब ये रॉड शुरू हमने हैंग किया था, ये यूनिफॉर्म रॉड था, हर जगह इसकी डेंसिटी सेम थी, हर जगह डीवाई मास में मास सेम था, इसलिए सेंटर पे ही इसके रॉड के सेंटर पे ही इसका सेंटर मास में आ रहा था। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में ये ज्यादा इलांगेट कर गया, इसलिए यहाँ डेंसिटी कम है, नीचे वाला कम इलांगेट किया, यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा है, लीनियर मास डेंसिटी ऊपर वाले की कम होगी, नीचे वाले की ज्यादा होगी, इसलिए जो सेंटर मास होगा वो इस रॉड के सेंटर के नीचे होगा, इस रॉड के ज्योमेट्रिकल सेंटर के नीचे होगा, इसीलिए देखिए सेंटर ऑफ मास नाउ लाइज बिलो द सेंटर ऑफ द रॉड, क्योंकि ऊपर में जो इलांगेशन बहुत ज्यादा हुआ है और नीचे में इलांगेशन बहुत कम हुआ है, सो मास का सेंटर और ज्योमेट्रिकल सेंटर वेरी करेगा, क्योंकि जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा मीन्स मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसीलिए सेंटर के नीचे, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के नीचे इसका सेंटर ऑफ मास लाइन करेगा। दूसरी बात, अगर हम इस इंटीग्रेशन को जीरो टू एल लेकर जाते हैं तो हमारा आ रहा है यहाँ पर एल स्क्वायर के क्लोज में है, इसका मतलब अगर हम इसको जीरो से लेकर एल बाय टू तक लेके जाते तो यहाँ पे एल बाय टू आ जाता, यानी कि समझिए इस बात को, अगर लोअर हाफ का इलांगेशन यानी y इक्वल टू जीरो टू एल बाय टू अगर e है तो जीरो से लेकर l तक जाएंगे तो इलांगेशन कितना होगा, फोर ई होगा, इसीलिए एल बाय टू से l का इलांगेशन कितना होगा, थ्री ई होगा, यानी समझिए लोअर हाफ अगर इलांगेट कर रहा है x से या x से तो अपर हाफ इलांगेट करेगा 3x से। ठीक है, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, अल्टरनेटिव मेथड क्या है, हम जानते हैं, देखिए हमने यहाँ पे ये लिया था ओरिजिनल लेंथ का dy और जो चेंज इन लेंथ कितना था dE, तो dE by dy क्या कहलाता है, dE by dy कहलाता है स्ट्रेन, इस पॉइंट पे स्ट्रेन कितना था, चेंज इन लेंथ dE by ओरिजिनल लेंथ इस पॉइंट पे dy, ये कितना होता था, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, यानी F इस पॉइंट पे फोर्स डिवाइडेड बाय इस पॉइंट पे एरिया क्रॉस सेक्शन, जो इस पॉइंट पे स्ट्रेस होगा वो कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस फोर्स बाय इंस्टेंटेनियस एरिया क्रॉस सेक्शन उस पॉइंट पे लोकल पॉइंट पे डिवाइडेड बाय वाई। तो हम यहां से देखते हैं कि हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा आता है टोटल इलांगेशन, ये हमारा आता है टोटल इलांगेशन, इवन अगर स्ट्रेस वेरिएबल है, इवन अगर स्ट्रेस वेरिएबल है, समझिए इस बात को, एंड ये अगर हम कहते हैं स्ट्रेस वर्सेस वाई, ये स्ट्रेस है, अगर हमारे पास कभी स्ट्रेस डिवाइड, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल इलांगेशन इक्वल टू होता है एरिया अंडर स्ट्रेस पोजीशन ग्राफ, तो देखिए स्ट्रेस डिवाइड का इंटीग्रल क्या होगा, स्ट्रेस डिवाइड का इंटीग्रल क्या होगा, एरिया अंडर स्ट्रेस पोजीशन ग्राफ, एरिया अंडर स्ट्रेस पोजीशन ग्राफ डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये बताएगा आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल इलांगेशन इवन अगर स्ट्रेस वेरिएबल है तो। यानी यहां पर देखिए अगर यहां पे स्ट्रेस की बात करें, तो यहां देखिए अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो यहां पे स्ट्रेस कितना था, देखिए
एम जी बाय ए, यहाँ पे स्ट्रेस कितना है एम जी बाय ए, यहाँ स्ट्रेस कितना है जीरो, क्योंकि देखिए फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया अगर हम यहाँ डालें तो एरिया तो कॉन्स्टेंट है, तो वाई इक्वल टू जीरो पे स्ट्रेस क्या होगा जीरो होगा, अगर वाई इक्वल टू हम ले रहे हैं जीरो, अगर वाई हाँ ये हमारा वाई है, अगर हम वाई की वैल्यू ले रहे हैं जीरो, अच्छा हम यहाँ से ले रहे हैं तो वाई की वैल्यू अगर जीरो लेंगे तो स्ट्रेस जीरो होगा, तो इस तरह से रहेगा, ये ऐसा है, देखिए जो y की वैल्यू जीरो तो स्ट्रेस जीरो, और जो y की वैल्यू l तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है mg by a, ठीक है mg by a, जो y की वैल्यू जीरो तो स्ट्रेस की वैल्यू जीरो, जो y की वैल्यू l तो स्ट्रेस कितना है mg by a, तो अगर हम इसके अंदर एरिया अंडर ग्राफ निकाल लें तो देखिए एरिया अंडर स्ट्रेस वाई ग्राफ, एरिया अंडर स्ट्रेस वाई ग्राफ कितना होगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कितना है mg by a, ये एरिया अंडर स्ट्रेस वाई ग्राफ, स्ट्रेस पोजीशन ग्राफ डिवाइडेड बाय वाई, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एलोंगेशन, ये इक्वल टू जाएगा एलोंगेशन, देखिए रियल सेम है mg by 2 l by a y, तो ये हमारा एक शॉर्टकट है कि हमको अगर कभी स्ट्रेस एरिया ग्राफ, स्ट्रेस वर्सेस एरिया ग्राफ पता हो, सॉरी स्ट्रेस वर्सेस पोजीशन ग्राफ पता हो, तो हम उसका अगर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, तो ये जो एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया है डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, ये कितना बताएगा आपको टोटल एलोंगेशन बताएगा, ठीक है। हम इस केस में एक और चीज जानने में इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस रॉड, इस रॉड में टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी है। नो अगेन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, बट हर वॉल्यूम डीवी में एनर्जी स्टोर्ड अलग अलग है क्योंकि स्ट्रेस अलग अलग है। हम क्या करते हैं यहाँ पर डिस्टेंस वाई पर गए, स्मॉल लेंथ कट किया डी वाई, स्मॉल लेंथ कट किया डी वाई, तो यहाँ पे हम लोकल वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। देखिए एनर्जी डेंसिटी की लोकल वैल्यू होती है स्ट्रेस होल स्क्वायर बाय 2y, स्ट्रेस उस पॉइंट पे कितनी है उसका स्क्वायर बाय 2y, नो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है फोर्स पर नेट एरिया, फोर्स इस पॉइंट पे फोर्स कितना था, एरिया वेरी नहीं कर रहा है बट ठीक है वेरी कर भी सकता था, तो हम फोर्स बाय एरिया, दिस बाय एरिया होल स्क्वायर बाय 2y, तो ये हो गई उस पॉइंट पे, ये हो गया उस पॉइंट पे एनर्जी डेंसिटी। आप देखिए एनर्जी डेंसिटी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे बढ़ती जा रही है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है इस फॉर्म में। हम इस पूरे चीज को एक नया नाम दे देते हैं, कॉन्स्टेंट दे देते हैं सी, तो सी इंटू वाई स्क्वायर। नाउ अब अगर हम यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम, यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी थी हम मान लेते हैं कि इस छोटे से वॉल्यूम में एनर्जी डेंसिटी लगभग यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y से बढ़ के y पर डिवाइड होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो जो एनर्जी की डेंसिटी है वो लगभग अनचेंज रखते हैं, तो उस केस में यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी हियर इनटू वॉल्यूम हियर, तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट लोकेशन इनटू वॉल्यूम एट दैट लोकेशन। तो देखिए एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ये है और वॉल्यूम एट दैट लोकेशन है a dy, a dy। देखिए हम अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो देखिए ये हो गया वाई स्क्वायर डी वाई जीरो टू एल, अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं जीरो टू एल वाई स्क्वायर डी वाई, हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे ये जगह सी ए एल क्यूब बाय थ्री, सी ए एल क्यूब बाय थ्री, तो हम क्या देख रहे हैं अगर हम इसको जीरो से एल तक इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ एल आएगा, अगर जीरो से एल बाय टू इंटीग्रेट करेंगे एल की जगह एल बाय टू आएगा, यानी हम कह रहे हैं अगर हम जीरो से एल बाय टू में अगर एनर्जी स्टोर यू है, अगर लोअर हाफ में एनर्जी स्टोर यू है, जीरो से एल में एनर्जी स्टोर 8u होगी क्योंकि ये इसका 8 टाइम्स, यहां l / 2 की जगह क्या हो जाएगा l, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स, इसीलिए जीरो से लेकर के इसीलिए l / 2 से l तक में एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी 7u, यानी कि जितनी एनर्जी लोअर हाफ में स्टोर है उसका 7 टाइम्स एनर्जी अपर हाफ में स्टोर होगा। ठीक है, ठीक है, हम इसमें और इलस्ट्रेशन देखते हैं।